इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेमेस्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का, और ये सब्जेक्ट्स का कोड रहा मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस। अब ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2023 का, इसको मैं जूम करता हूँ, जुलाई 23 का जो क्वेश्चन पेपर है एमकॉम सेमेस्टर 2 का, आप देख सकते हैं 75 का पैटर्न। अब कुछ बच्चे ओल्ड स्टूडेंट 80-80 रिपीटर्स रहेंगे या ओल्ड रहेंगे तो उनका 60-40 वाला चलता है, तो अगर 60 मार्क का आ रहा है या 75 मार्क का आ रहा है दोनों के लिए सेम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आप मिनिमम क्वेश्चन जो है स्टडी करके पास हो सकते हैं इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये रेफरेंस लूँगा, साथ में मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप जो है ईजिली प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। MCQs जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें जो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, लगभग जो है 100 से 100+ जो है MCQs है, नहीं 100 MCQs है, जिसको आप प्रैक्टिस करके आपके क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर वीडियो ध्यान से देखना, और ये जो क्वेश्चन पेपर है और ये जो PDF है, ठीक है, दोनों का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला दिखेगा, उस पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना, बाकी के सब्जेक्ट्स भी आप वहाँ पे मिल जाएंगे PDF, ठीक है, ताकि आपको स्टडी में हेल्प मिले। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड दूसरा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर्स लेता हूँ तो मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड अगर आपको लगता है कि इसके लेक्चर्स मुझे अपलोड करने चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मेंबर्स लोगों के लिए जो है लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो मेक श्योर अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं इकोनॉमिक्स के तो आप क्या करना, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे यूट्यूब पे कहीं पे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, तो आपको लेक्चर्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। लेक्चर्स इन फ्यूचर में मैं अपलोड भी करूँगा, ठीक है, सारे लेक्चर्स नहीं बट एटलीस्ट 5 से 6 लेक्चर्स अपलोड करूँगा जिसमें आप इजिली पास हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से है कि यूनिट 1 में 2 दिया है ए एंड ए, यूनिट 2 में भी 2 एंड 2 ए, यूनिट 3 में भी 3 एंड, अब यूनिट 4 में 4 ए, ठीक है। अब अगर आपको पास होना है तो टोटल 4 चैप्टर करने हैं आपको, कितने करने हैं, 4 चैप्टर्स आपको करने हैं। अब वो 4 चैप्टर्स मान लीजिए आपको फर्स्ट यूनिट करना है, फर्स्ट यूनिट आप कर लीजिए, सबसे इजी है क्योंकि ये 12th के टॉपिक्स हैं और 11th के टॉपिक्स हैं, ठीक है, कॉमर्स के। अगर ये आप कर लेते हो तो यहाँ से आपका जो है 15 मार्क्स कवर हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है सारे, अब देखो ये सारे देखोगे तो इसमें सारे थ्योरी मतलब डायग्राम्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप कहाँ पर पहुँच जाओ, ये 4th पे चले जाओ, तो ये 4th पे करोगे तो 7 to 10 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 75 मार्क का है तो पासिंग चलो मैं 28 कंसिडर करता हूँ, मुझे 28 चाहिए, तो यहाँ से 15 यहाँ से 10 तो हो गया 25, ठीक है, बाकी एक दो ऑब्जेक्टिव्स में भी कवर हो जाएंगे तो लगभग हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने 3 चैप्टर बनाया, ठीक है, इसी के ऊपर मैं क्या करूँगा, लेक्चर्स अपलोड करूँगा मेंबर्स लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर 10 लोग ज्वाइन होते हैं, अगर 10 लोग ज्वाइन होंगे, मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम या इसमें ही, अगर 10 लोग ज्वाइन होते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब 1 तारीख तक अगर 10 लोग ज्वाइन होते हैं तो मैं लेक्चर क्या करूँगा, 1 दिन के अंदर ही 3-4 लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसी सब्जेक्ट्स का बुक के हिसाब से। तो मेक श्योर आप अपने जो स्टूडेंट होंगे, सिर्फ सेमेस्टर 2 का मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स का, ठीक है, सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के लिए। तो अगर आपके दोस्त रहेंगे उनको भी ज्वाइन करवाइए और फिर उसके बाद मैं लेक्चर्स ले लूँगा, ठीक है, काफ़ी ये चैप्टर्स का ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यही बुक का रेफरेंस लेके, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो ये 3 चैप्टर हो गए, अब उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद जो है आपको 2nd चैप्टर करना है, ठीक है, और 2nd में 2A में, ये इसमें पूरा डिटेल में आपको नहीं करना है, यहाँ से अपने को 10 मार्क्स चाहिए तो आप उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने को समझ, मतलब कम टाइम में समझ में आ जाएगा और उतना अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, तो यहाँ से 10 मार्क्स, तो टोटल जो है लगभग 35 प्लस ऑब्जेक्टिव्स का तो मैंने काउंट नहीं किया, तो आराम से आप इजिली पास हो जाओगे, ठीक है। अब सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे वो आप मुझे बताइए। देखिए फर्स्ट यूनिट जो है वो आपको पूरा करना है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपको पूरा करना है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये पीपी इनकम थ्योरी, पीपी है, पीपी इनकम वाला है, एचडीआई है, ठीक है, डिफरेंट कंसेप्ट है, जीडीपी, जीएनपी, रीएलपी, नॉमिनल,
इनकम, तो ये जो अलग अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जैसे नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो शॉर्ट नोट्स में प्लस लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो है मेजरमेंट है, नेशनल इनकम का क्या मेजरमेंट है, तो ये कुछ क्वेश्चंस ये पूरा आपको करना है, इसमें से कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है मैथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, रियल इनकम एंड नॉमिनल इनकम, रियल इंटरेस्ट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट, पीपी थ्योरी, एचडीआई में जो है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, आप ये कर लीजिएगा। एचडीआई के फीचर्स है, क्या टॉपिक्स है वो आप कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक का मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा दे रहा हूँ। और देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि आपको दो यूनिट करना है, मेरा ये कहना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन दे दूँ वो आ जाए, ठीक है, आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जैसे एचडीआई का अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्वेश्चन दे दूँ आपको, तो ये कंपलसरी आएगा ही आएगा क्वेश्चन। पूरे पेपर में आपको एक क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर रहेगा, चाहे वो 7 मार्क्स का, जैसे 15 मार्क का है ना, तो एक 7 मार्क्स का रहेगा, एक 8 मार्क का रहेगा, मतलब 7 मार्क्स का रहे या 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स में, बट कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये सबसे छोटा टॉपिक है इस पूरे इकोनॉमिक सिलेबस का, ठीक है। तो ये टॉपिक आप सबसे पहले उठा के कर लीजिए, जिससे आपके 5 से 7 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और ये 11th के इसमें थ्योरी है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप पहले उठा के कर लीजिए। तो अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर पूछा, जैसे मैंने बताया नेशनल इनकम का, तो बोला है कि वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, सबसे ईजी क्वेश्चन। इसमें आप GDP एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें आप GNP एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, ये दो मेजर हैं। उसके बाद फिर जो है इसमें NNP आप एक्सप्लेन कर दीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, NDP आप कर दीजिए। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, GDP डिफ्लेटर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब बेसिकली ये दोनों टॉपिक ही है, GDP एंड GNP है, उसके बाद फिर इसमें याद है। तो सबसे इजी क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट कर दो, अच्छा शॉर्ट नोट्स में भी आई गेस रहेगा ये क्वेश्चन, तो शॉर्ट नोट्स में भी रहना चाहिए। शॉर्ट नोट्स 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आता है, इसलिए करना जरूरी, 10 के 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आई गेस। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो है नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट, एक और क्वेश्चन आता है नॉमिनल इनकम और रियल इनकम, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है जो है अगर आप देखोगे तो नॉमिनल इनकम बेसिकली वो इनकम जो हमको सैलरी मिलती है, ठीक है, जो भी अमाउंट 10,000, 15,000, 20,000। और रियल में क्या होता है कि हम लोग इन्फ्लेशन रेट को काउंट करते हैं, उसमें से जो है कैलकुलेट करते हैं मार्केट में क्या प्राइजेस है गुड्स एंड सर्विसेज का, परचेसिंग पावर बेसिकली, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि हमारा रियल इनकम कितना है, ठीक है। तो रियल एंड नॉमिनल में डिफरेंस ये है, नॉमिनल में हम लोग नॉर्मल इनकम जो अर्न कर रहे सैलरी वो है, और रियल इनकम की जगह पे उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। उसके अलावा जैसे मैं बता फ्लिप्स का, तो ये बहुत छोटा सा, अच्छा ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये भी फर्स्ट मॉड्यूल से ही पूछ लिया है, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट करते हो तो आपके लगभग 10-20 मार्क्स भी हो सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 15 मार्क्स का वर्क काउंट किया था, लेकिन ये 15 मार्क्स का तो होगा ही होगा, साथ में जो है आपके और एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स शॉर्ट नोट्स के, तो 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और पहला यूनिट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट इज़ ईजी कंपैरेटिवली अदर यूनिट, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, पेपर का रेफरेंस देके मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पहले चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन से टॉपिक्स है वो भी कवर कर दिया। अब उसके बाद जैसे मैं बता रहा था फोर्थ मॉड्यूल, तो ये जो फोर्थ मॉड्यूल है, फोर्थ मॉड्यूल में बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया, जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात किया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, एक डिसइक्विलिब्रियम है, जिसमें डिसइक्विलिब्रियम के रीजंस प्लस उसके क्या मेजर्स है, करेक्टिव मेजर्स डिसइक्विलिब्रियम के, ये 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछेगा, बाकी का दूसरा वाला टॉपिक में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरे वाला जो टॉपिक है, जैसे मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल्स है, अगर चाहिए तो कर सकते हैं, डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन है, बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेशन है बट इजी है। जैसे डीवैल्यूएशन में बोलूंगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करता है, रुपीस का वैल्यू घटा देता है
मतलब डॉलर के मुकाबले में, ठीक है, तो वो क्या होता है, डीवैल्यूएशन होता है। रीवैल्यूएशन बेसिकली अपने रुपीज़ की वैल्यू बढ़ा देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज हम लोग एक डॉलर के बदले 82 रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़। अब अगर इसमें मैं बोलूँगा डीवैल्यूएशन का कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करो, तो मैं क्या करूँगा, $1 को 90 रुपीज़ कर दूंगा। तो मतलब क्या किया मैंने, डॉलर के मुकाबले में मैंने अपना रुपीज़ को घटा दिया, इसलिए जब 82 रुपीज़ पहले था अब कितना हो गया, 92 हो गई। अप्रिशिएट मतलब रीवैल्यूएशन करना और अप्रिशिएट करना बेसिकली जो है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, ये 82 के जगह पे अब अपन 60 रुपये पे कर रहे हैं, तो अपना रुपीस मजबूत होता है। डीवैल्यूएशन में रुपीस वीक होता है और जो है अप्रिशिएट में जो है वैल्यू बढ़ता है। तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से पूछा। देखो क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये पेपर जो रहेगा ना आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बस वही टॉपिक रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी टाइम क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन नहीं आता है, भूल जाते हैं, तो जो पढ़ के गया वो लिख के आ जाओ, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये देखिए टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, सबसे इजी क्वेश्चन। सर ये सबसे इजी क्वेश्चन क्यों है? सबसे इजी इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ चार टॉपिक है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल, इतना ईजी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे, उसके बाद दूसरा क्या पूछा है कि मेजर्स टू करेक्ट दी डिसइक्विलिब्रियम, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस क्या होता है, अगर आपके एक जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया अगर वो चैप्टर्स आप कवर कर लेते हो तो आपके आराम से जो है क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको ये टॉपिक से, फोर्थ मॉड्यूल, ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है जैसे मैंने बताया फोर्थ मॉड्यूल का आपको एक चैप्टर करना है और फिर थर्ड मॉड्यूल या सेकंड मॉड्यूल का आपको एक चैप्टर करना है, तो इससे क्या होगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया रहेगा आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के आपके सारे क्वेश्चन कर लीजिए, फोर्थ मॉड्यूल के जो फोर्थ चैप्टर है वो आप कर लीजिए, थर्ड या सेकंड में से, सेकंड वाला चाहिए तो आप सेकंड और सेकंड चैप्टर से दोनों में से थोड़ा फिलिप्स कर्व का समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने फिलिप्स का जो एक्सप्लेनेशन किया शॉर्ट रन लॉन्ग रन में एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एम्प्लॉयमेंट और जो है इन्फ्लेशन को कैसे कोरिलेट करके बताया, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, जब मैं लेक्चर्स लूँगा तो काफ़ी ईजी रहेगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 से 12 लोग ज्वाइन हों, ताकि जो मतलब एफर्ट लग रहा है मेरी तरफ से वो एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो और मुझे भी जो है थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए भाई लेक्चर्स लेने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आपको इसमें क्या नहीं समझा वो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी लगे कि आपको और अच्छे तरीके से कैसे मैं बता सकता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक से आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा, बेस्ट ऑफ लक, अभी से प्रिपरेशन चालू कीजिएगा।